एक ही दिन मेरे को रहने के लिए मौका है, मिल जाए ना बस। क्या नजारा है इस नजारा। गाइस वो हमसे आगे चले गए हैं, हमें चलना होगा आगे उनसे। पानी सही है उल्लास में? गाइस यार, तो हम 2 दिनों से बाइक को बहुत मिस कर रहे हैं और हम डिप्रेशन में चले गए हैं, मतलब बोले तो डिप्रेशन में। तो हम इस चीज से उभरने के लिए हम घर में बैठे नहीं रह सकते, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब कहीं राइड के लिए निकलता हूँ। और मेरे पास तो अपना बाइक नहीं है, लेकिन मैं बाइक नहीं है तो क्या हुआ, लाइफ थोड़ी ना रुक जाएगी। तो ये लाइफ को यहीं से आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बस। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाले, तो आज की वीडियो में आप लोग बहुत ही प्यार सपोर्ट कीजिएगा और मुझे आशा है कि आप जरूर इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। चलिए हम निकलते हैं एक न्यू राइड के लिए, एक न्यू जर्नी पे। चलिए बहुत ही मजा आने वाला है आज की वीडियो में, तो मिलते हैं रोड पे। गाइस यार, तो अभी हम सिटी से बाहर निकल चुके हैं और बात ऐसे थे थोड़ी लेट हो गए क्योंकि हमारी साइकिल थी पंचर। हम अभी आ चुके सिटी से बाहर, लेकिन अभी हमें अभी लगभग 20 किलोमीटर चलना है, उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो अभी रेस लगने वाली है मेरे में हुलास भाई में। अरे हुलास भाई, अभी रेस लगेगी हाथ छोड़ के कौन ज़्यादा स्पीड भगा पाता है। अब वो देखो केला, केला यार ब्यूटीफुल, केला खाओ। चल रहे हैं, ये देखिए पीछे गाइस, वो हमसे आगे चले गए हैं, हमें चलना होगा आगे उनसे। गाइस तो निकलने वाले हैं, बस निकल गए गाइस, हम आगे आगे उनसे। गाइस ओहो, सांस फूलने लगी यार। इधर रोड भी ना बहुत चढ़ान ढलान रहता है ना, अभी हम चढ़ाई पे जा रहे हैं। वो है स्कूटी, हाँ थोड़ा सा रुक लेता है। ओह पूरा सांप बना था, सांप लहरा था, लग जा रहे हैं एकदम पूरा हाथ छोड़ के अपना मस्ती में। गाइस यार, तो रोड ना बहुत बिजी रहती है, साइकिल से चलने में बहुत डिस्टर्बेंस लगती है क्योंकि आपको जितने भी लोग हैं ना, सारे लोग आपको पीछा छोड़ते जाते हैं। अरे भैया ट्रक वाले ड्राइवर, तो इनका तो पता नहीं, इतना हैवी ड्राइवर ये रहते हैं ना। गाइस एक बार चेक कर लो इनकी लीन, थोड़ा सा और लीन मारना, और थोड़ा सा और, तू गिर जा उसके बाद हम मानेंगे। गाइस यार, इस लिप्टस को चेक करो, लिप्टस के पैर को यार, क्या मतलब एक ही जगह पे इतने सारे पैर है ना, तो क्या मस्त लग रहा है एकदम। और इधर देखो ये है बबूल का पेड़, नहीं यार पता नहीं क्या किस चीज़ का पेड़ है, लेकिन इसमें कांटे बहुत हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस चीज़ का पेड़ है। और इधर ही हम मैगी बनाने का अपना व्यवस्था करते हैं क्योंकि भूख भी लग गई है ना, और साइकिल बचा कर चलाएंगे इधर, नहीं तो फिर हमारे विक्रांत की टायर पंचर हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं यही पेड़ है, ये तो कांटे बहुत है यार, तो यहाँ से झुक के निकलना पड़ सकता है। तो हम निकल गए हैं कहीं और आगे चलते हैं, थोड़ा हमें लकड़ी की आवश्यकता है ना, तो यहाँ तो बहुत सारी लकड़ी है थोड़ा सा भाई, यहीं पे बनाया जाए ये, और आगे थोड़ा सा चला जाए। नहीं इधर ठीक रहेगा, यहाँ पानी भी नज़दीक में है ना, सही है। चलो साइकिल लगाता हूँ छाया में, नहीं बोलने का, ये हमारा जान है। हाँ तो ये विक्रांत, ओ पंचर ना कर लियो साइकिल, सही है। प्लास्टिक इसलिए हम लाए हैं ना, तो आग जलाने के लिए बस। और हमारा यार क्या नज़ारा है भाई, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। गाइस ये तो यहाँ चूल्हा बनकर हमारी कंप्लीट है, अब ये मत बोलिएगा कि दूसरे का चूल्हा बना रहा है, तो दूसरे का चूल्हा नहीं है, बस दूसरे का यहाँ ईटा नहीं मिल रही थी ना, तो उधर पहले से किसी ने खाना बनाया था, तो हमने यहाँ पे ईटा वहीं पे उठा के लाया, यहाँ पे हम अपना चूल्हा अलग से बना लिया। अब बस सब फटाफट आग जलाते हैं, फिर मैगी बनाते हैं। गाइस यार आग लग चुकी है, गाइस तो हमारी मैगी गर्म गर्म एकदम पक रही है और आग तो एकदम पूरी इतनी अच्छे से जल रही है ना कि क्या बता। और ये धनिया पत्ता मिर्चा नमक सब डाल चुके हैं इसमें, मसाला वसाला सब। अब बस 2 मिनट से ऊपर ही हो गया है, तो 2 मिनट मैगी चटापट खाओ, अपने पेट को पूजा करो। तो ज़्यादा मैगी बॉयल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ख़राब लगने लगता है ना, फिर गिल्ला हलवा जैसा बन जाता है।
पानी सही है उल्लास भाई? पानी तो सही लग रहा है, लेकिन लगता था हमको हरगा और डालते तो ठीक आता है। डाल दे, छोड़ दे, ठीक है, ठीक है, से पक जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये चेक करे गाइस, मेरे चॉपस्टिक चेक करे गाइस, क्या मैगी है एकदम गर्मा गर्म यार। हाँ, खुशबू कितना अच्छा आ रहा है। सूखी मैगी बाहर चल जा। ये चेक करे गाइस, मेरा चॉपस्टिक। अब इसको ऐसे करेंगे भाई, ऐसे ही खाते हैं। गाइस बहुत टेस्टी है गाइस यार। तो जल्दी जल्दी परेसी है जल्दी। क्या खाएं? सिम खा ले का? नहीं नहीं यार, पत्तल लाया तो फिर पत्तल बनाया है, इसमें खाइए सर, फिर मज़ा कैसे आएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत देर कर रहे हैं और यार पेट में बहुत चूहा कूद रही है। वाह, तो गाइस जो घर में मैगी बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट है यहाँ। वो ये वाला पानी नहीं पीना है, आसपास का पानी है, तो ये हम ये पानी पीते हैं। खुलास में होगा ना मैगी थोड़ा और स्वादिष्ट लगेगा, इसलिए कि वो पत्ता में खा रहे हैं ना, एक बार उनका अलग टेस्ट करते हैं, क्योंकि इनका एकदम कौन से थाली से बोलते हैं से, इसका थाली तो नहीं जानते, इसको पत्तल बोलो ही। ये पत्तल है, पत्ता का पत्ता बना, पत्ता का बनाया हुआ है। अरे हम नए सुधरेंगे यार, हाथ लगा ही देंगे। पानी डाल दो इसमें। हाँ नहीं तो सूख, मैं पहले इसको हम खाने दो। दिस इज देसी स्टाइल। गाइस यार, तो पेट पूजा हो गई है, खाना वाना खा लिया है, मतलब मैगी खा लिया है, तो एकदम पूरी संतुष्टि हो गई है, आत्मा करो संतुष्टि मिल गई है। तो अभी हम बैठे हुए हैं बहुत ही मस्त जगह पे, एकदम आनंद ही आनंद यहाँ पे मिल रहा है। तो हम पानी के बीच में बैठे हुए हैं और मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का सिनेमैटिक फुटेज। तो आप इस सिनेमैटिक के लिए प्लीज़ एक लाइक करना, बहुत ही मज़ा आ रहा है बैठने में, सुकून की जिंदगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ सिनेमैटिक 1 2 3। हाँ लोग, तो कैसा तबाही वाला सीन था पीछे, अभी भी सीन है, देख सकते हैं सूर्य भगवान अब डूबने की ओर चल चुके हैं। तो यहाँ का सीन, अरे हम अभी आए हुए हैं मछली घर में, तो यहाँ पे मछली घर है और इधर बहुत मज़ा आ रहा है चलने में एकदम। ये जो ड्रम है ना, तो अप एंड डाउन है, देखो मैं नाच नचवाता हूँ। ये देखो गाइस यार क्या मज़ा आ रहा है, वो देखो, वो देखो उधर गाइस। अब मैं इस पर दौड़ता हूँ लेकिन दौड़ नहीं सकते, देखिए यहाँ पे कैसा संकीर्ण रास्ता है, तो यहाँ से मैं दौड़ सकता हूँ गाइस, सावधानी के साथ। खुलास भाई, अबे टूट जाएगा, बस 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 कर बस कर। ये पूरा मछली घर है, उधर पे वहाँ डैम है, और ऐसे गाइस क्या सीन है पानी में वहाँ पे, वो क्या है, बत्तख है? नहीं नहीं, कौन सा पक्षी? पंडवी। हाँ पंडवी मछली का नाम है। ओ भाई साहब, यहाँ देखो गाइस, ये चेक करो ड्रम, ड्रम देख रहे हो, ये फूटा हुआ है यहाँ, यहाँ सच में यहाँ धंसा हुआ है, और यहाँ बीच में ड्रम ही नहीं है, बाकी सब ठीक है गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कमिंग सून, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब यहाँ से हमें निकलना भी है, 20 किलोमीटर साइकिल चला के अभी जाना भी है, शाम हो चुकी है तो हम निकलते हैं, रात होने से पहले हमें पूछना है घर पे। यार क्या मतलब क्या बोलूं मैं, बता नहीं सकता यार, क्या नज़ारा है। इस नज़ारा को ही देखने के लिए हम उतने दूर से चल रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी भी थकावट नहीं।